हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अस्तर के ब्लाउज़ की स्टिचिंग कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये अस्तर के ब्लाउज़ लिया है। तो ये जो है ये बैक साइड हमने तैयार की थी, अब फ्रंट साइड कैसे तैयार करनी है ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने ये अस्तर ज्वाइंट करके ये बैक साइड का गला जो है उसको मैंने तैयार किया है। यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको तैयार किया है। अब फ्रंट साइड जो है उसको हम तैयार करेंगे। तो जब भी हम अस्तर की ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो ये अस्तर को और ये ब्लाउज़ होता है साड़ी में से निकला हुआ, तो उसको हमें अलग कट करना पड़ता है। और ये जो अस्तर है ये अस्तर की मेजरमेंट हम एकदम बराबर लेते हैं, लेकिन ये जो दूसरा पीस होता है साड़ी में से निकला हुआ जो पीस होता है उसको हमें आधा इंच पूरे में एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। जब हम अस्तर ज्वाइंट करेंगे पहले हम अस्तर ज्वाइंट को ज्वाइंट कर लेते हैं, बाद में ये साइड का जो कपड़ा है उसको हम कट करेंगे। तो पहले हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। पहले हम कटोरी को ज्वाइंट करेंगे, इस तरह से हम ज्वाइंट कर लेते हैं। ये जो होती है ये हमारी रफ सिलाई होती है, तो अब थोड़ा सा सिलाई जो है उसको हमें थोड़ी सी बड़ी बड़ी सिलाई लगाएंगे तो भी चलता है। यहाँ पे हमने ये एक साइड का जो कटोरी का पार्ट था उसको हमने ज्वाइन किया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम इस तरह से कट करेंगे। इस तरह से हमने ये कटोरी को ज्वाइन किया है। अब दूसरा जो पार्ट है उसको भी हम इसी तरह से ज्वाइन कर लेते हैं। इसी तरह से हमने ये दूसरा पार्ट भी तैयार किया है। ये देखिए ये हमारा एक साइड का पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, और जो कटोरी के साइड का जो पार्ट होता है स्टिच करने के लिए तो वो हम ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हमने इसको ज्वाइन किया है। अब जो साइड का कपड़ा है उसको हम कट करेंगे। जैसे अस्तर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें अस्तर के साइज का कट करना है।
इस तरह से हमने एक पार्ट को ज्वाइन किया है। अब दूसरा पार्ट पर इसी तरह से हम ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन किया है, एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको भी हम इसी तरह से कट कर लेते हैं। इस तरह से हमने दूसरे पार्ट को भी तैयार किया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे कटोरी को हमने इस तरह से अस्तर और कपड़े को ज्वाइन किया है ब्लाउज पीस को, अब इसको पहले हम टक्स डालते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरह से इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ हम 1.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच पे एक मार्किंग करते हैं और यहाँ पे हम 2.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और यहाँ हम सीधी एक क्रॉस में सिलाई लगाते हैं। इसके ऊपर हम डबल सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमने इसको टक्स, इस तरह से हमने ये टक्स लगाया है। अब जो साइड का पार्ट है, इसके साइड का जो पार्ट है उसको हम ज्वाइन करेंगे। तो इसे हम इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं। ये दोनों सीधी साइड जो है ये अंदर के साइड में है और जो उल्टी साइड है ये हमारी इस तरह से है, तब इसको ज्वाइन करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने ये स्टिच किया है, ये देखिए ये जो पार्ट था इसको हमने स्टिच किया है इस तरह से। अब दूसरा जो पार्ट है उसको भी हम इसी तरह से पहले टक्स लगाएंगे। जैसे पहले हम इस तरह से फोल्ड करते हैं, यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। 1.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम 2.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। 2.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हमें इस तरह से तिरछी सिलाई लगानी है।
यहाँ पे हमने ये टक्स लगाया है कटोरी का। अब उसके साइड का जो पार्ट है उसको हम अटैच करेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से रखते हैं। जैसे ये जो है ये दोनों सीधी साइड हैं, ये दोनों हमारी उल्टी साइड हैं, तो हम इस तरह से इसको स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने दूसरा जो पार्ट था उसको भी हमने स्टिच किया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे ये हमारी क्रॉस पट्टी है, ये हमारा अस्तर है और ये हमारी क्रॉस पट्टी है, तो हमें क्या करना है, इसको अटैच करते समय जैसे ये कपड़े की है तो हम कपड़े के ऊपर इसको इस तरह से रखते हैं और यहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे और ये तीनों को हम सिलाई लगाएंगे। अब ये जो क्रॉस पट्टी है इसे हमें इस तरह से अब ज्वाइंट करना है। नीचे के साइड में हम इस तरह से फोल्ड करके ये जो सिलाई है ये अंदर के साइड में चली जाएगी। अब यहाँ पे हम इसके ऊपर डबल सिलाई लगाते हैं। अब इसको हम इस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारी ये पट्टी इस तरह से आती है, जैसे उल्टे साइड में भी अंदर के साइड में ये सिलाई जाती है दोनों साइड की, और यहाँ पे बाहर के साइड से सीधे साइड में भी अंदर के साइड में ये सिलाई जाती है। तो मैंने ये पार्ट आपको तैयार करके दिखाया है। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह से क्रॉस पट्टी लगाते हैं। अब यहाँ पर हमने ये फ्रंट साइड के दोनों पार्ट तैयार किए हैं। ये देखिए यहाँ पे भी हमने ये पार्ट तैयार किया है और यहाँ पे हमें अभी बैक साइड का जो पार्ट है, बैक साइड का जो पार्ट है उसको हमें पहले शोल्डर को अटैच करना है। तो शोल्डर हम इस तरह से अटैच करेंगे, जैसे यहाँ पे ये रख के बैक साइड रखेंगे और यहाँ पे हम ये
ये फ्रंट साइड रखेंगे। इस तरह से हम शोल्डर को अटैच करना है। तो पहले हम हुक और आई की पट्टी लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने आपको फ्रंट साइड की स्टिचिंग आपको दिखाई है। तो यह आप हुक और आई की पट्टी लगा के यहाँ पे गले की पट्टी लगानी है, यानी कि पाइपिंग करनी है। और ये जो है यहाँ पे हमने ये जो स्लीव्स है स्लीव्स को ज्वाइन करनी है। तो इससे पहले वीडियो में मैंने पाइपिंग कैसे लगानी थी, स्लीव्स कैसे जोड़नी है ये मैंने अपलोड किया हुआ है, और हुक और आई की पट्टी भी कैसे जोड़नी है ये भी मैंने आपको दिखाया है। तो यहाँ पे मैंने आपको मेन जो पार्ट था उसको मैंने आपकी स्टिचिंग आपको दिखाई है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।